नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया क्राइम थ्रिलर आतंक के साए पार्ट फोर। पाहवा के होटल जय गणेश के ठीक बाईं तरफ बराबर बनी 14 मंजिल इमारत जगन्नाथ मैंशन के 11वें फ्लोर पर जय चंद पाटिया का बहुत बड़ा ऑफिस था, जिसमें 8 कमरे थे। उसकी खिड़की जय गणेश की तरफ ही खुलती थी। 9 मंजिली जय गणेश होटल जगन्नाथ मैंशन के सामने बौना सा लगता था, जबकि सिर्फ 5 मंजिला का फर्क था। सब कुछ जानने सुनने के बाद प्लान शंकर दास ने बनाया। उसने जय चंद पाटिया को पावरफुल हैंड ग्रेनेड उस ऑफिस में पहुंचा देने को कहा। जय चंद पाटिया तो खुद भी यही चाहता था। उसने फौरन जगन्नाथ मैंशन इमारत के 11वें फ्लोर पर मौजूद अपने ऑफिस में इतने ज़्यादा हैंड ग्रेनेड पहुँचा दिए कि उनसे जय गणेश जैसे 2 होटल उड़ाए जा सकें। शंकर दास ने सोहन लाल की ड्यूटी जगन्नाथ मैंशन के 11वें फ्लोर पर जयचंद पाटिया के ऑफिस में लगा दी। उसका काम सिर्फ इतना था कि बिना रुके हैंड ग्रेनेड जय गणेश पर फेंकते जाना था। सोहन लाल ने फौरन यह काम करना मंजूर कर लिया। जय गणेश की दूसरी तरफ आड़ में शंकर दास ने जयचंद पाटिया के 2 आदमियों की ड्यूटी लगाई कि वहाँ उन्हें होटल पर हैंड ग्रेनेड फेंकने थे। इसी तरह 2 आदमी होटल की पिछली ओर, 3 आदमी उसने खुद अपने साथ रखे। उसने जय गणेश के सामने की ओर से हल्ला बोलना था। अब इस काम में कोई वक्त नहीं था, हर कोई अपने अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। शंकर दास 3 आदमियों के साथ 2 किलोमीटर दूर कार में बैठा था। स्टीयरिंग सीट पर ड्राइवर मौजूद था। सबके पास पर्याप्त मात्रा में हैंड ग्रेनेड और राइफलें थी। शंकर दास ने 2 रिवॉल्वर अपने कपड़ों में छिपा रखे थे। रात का अंधेरा फैल चुका था, 9:30 बज रहे थे। आज शंकर दास ने सारा काम समाप्त करने का फैसला कर लिया था। इंस्पेक्टर पाल देशमुख से किए गए वायदे के अनुसार वह पावा को मारकर इस शहर से कहीं दूर शांत जगह निकल जाना चाहता था, जहां उसे अपनी बाकी की जिंदगी बिना किसी शोर शराबे से गुजारनी थी। इस खूनी खेल से उसका मन उकता गया था। इसी कारण उसने सोच लिया था कि रात का खेल आखिरी खूनी खेल होगा। चलें? उसके साथ बैठे व्यक्ति ने पूछा। नहीं, 3 मिनट पड़े हैं। तुम सबके हथियार तैयार हैं? शंकर दास ने पूछा। हाँ, फिर चेक कर लो। ज़रूरत नहीं, हमारे हथियार हमें वक्त पर कभी धोखा नहीं देते, एक ने दृढ़ और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। उन्हें घड़ी की सुइयां धीमी चलती महसूस हो रही थी। सबके शरीरों में उत्तेजना व्याप्त थी। ड्राइवर बीड़ी के कश पर कश लगाए जा रहा था। जब 3 मिनट पूरे होने में 25 सेकंड रह गए तो शंकर दास बोला, चलो। ड्राइवर ने फौरन बीड़ी फेंकी, कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। हेडलाइट की तीव्र रोशनी अंधेरे को चीरती हुई सड़क पर पड़ रही थी। दूर से होटल जय गणेश का साइन बोर्ड जगमगाता दिखाई दिया। फिर कार होटल के ठीक सामने सड़क के पार रुकी। दरवाजे खोलकर शंकर दास और उसके 3 साथी बाहर निकल आए। राइफलें उनके हाथों में थमी थी। पीठ पर बंधे थैलों में हैंड ग्रेनेड भरे पड़े थे। उसी क्षण कार आगे सरकी, फिर तेज गति के साथ अंधेरे में गायब हो गई। तीनों के चेहरे पत्थरों जैसे सपाट हो चुके थे। शंकर दास के होठ भींचे थे। चलो, शंकर दास ने कहा, जो भी सामने आए उसे भून दो। मैं शुरुआत करके दूसरी पार्टियों को सिग्नल दे दूं। कहते हुए उसने जगन्नाथ मैंशन 11वें फ्लोर पर निगाह दौड़ाई। खिड़की खुली हुई थी और उसमें से कोई बाहर झांकता हुआ दिखाई दे रहा था। वह सोहन लाल ही होगा, शंकर दास ने अनुमान लगाया और अपने साथियों के साथ सड़क पार करके होटल के गेट पर जा पहुंचा। हाथों में नंगी राइफलें देखकर आते जाते लोग ठिठके, फिर फौरन ही इधर उधर सरकने लगे। गेट पर खड़े 2 में से 1 दरबान उन्हें देखते ही फौरन भीतर की तरफ भागा। शंकर दास के साथी ने उस पर राइफल ताननी चाही, परंतु शंकर दास ने हाथ मारकर उसकी राइफल नीचे की और पीठ पर लटक रहे थैले में से हैंड ग्रेनेड निकाला। फिर उसकी पिन निकालकर हैंड ग्रेनेड को किसी पत्थर की तरह निशाना लेकर उसे मारा। अगले ही पल कान फाड़ देने वाला तेज धमाका हुआ और भाग रहे दरबान के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। इसके साथ ही शुरुआत हो गई। वहां धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। दाएं बाएं और पीछे की ओर हैंड ग्रेनेड आकर होटल पर गिरने लगे। भीतर से आ रही अफरा तफरी से भरी चीखें सुनाई देनी शुरू हो गई। आते में फैल जाओ, पावा का जो भी आदमी दिखाई दे उसे भून दो, हैंड ग्रेनेडों से होटल को तबाह करने की पूरी कोशिश करो,
चारों तरफ से दुश्मन पर हमला हो रहा है, दुश्मन बौखला चुका है, उसे समझने का मौका न दो और किसी भी हालत में होटल में प्रवेश न करना। आते में घुसते हुए शंकर दास ने जल्दी जल्दी कहा। फिर चारों अलग हो गए। हर किसी ने अपनी समझ के मुताबिक पोजीशन ले ली। पाहवा के आदमी हथियारों के साथ होटल के बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु राइफल की गोलियां उनके चीथड़े उड़ाकर उन्हें वापस अंदर धकेल रही थी। वातावरण सुलग उठा था। धमाके, बारूद की गंध और चीखों के अलावा किसी को और कुछ वहां दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। शंकर दास ने पार्किंग में खड़ी कारों के बीच पोजीशन ले ली थी, परंतु अभी तक एक भी फायर नहीं किया था, जबकि गोलियां बरसाते कई दुश्मन उसके निशाने पर थे। वह फायर करके दुश्मन को अपनी पोजीशन का एहसास नहीं दिलाना चाहता था। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक ही हो रहा था। बराबर चारों तरफ से धमाके गूंज रहे थे। हर धमाका पाहवा के होटल को कमजोर बनाता जा रहा था। फिर उसने कपड़ों में हाथ डालकर लकड़ी का छोटा सा बक्सा निकाला। यह जबरदस्त शक्ति वाला टाइम बम था। जयचंद पाटिया ने विश्वास के साथ कहा था कि यह बम होटल की ईंट से ईंट अलग कर देगा। बक्सा खोलकर उसने बम को देखा, फिर बंद करके वापस कपड़ों में रख लिया। उसके बाद कारों में से होता हुआ होटल के सदर द्वार की तरफ बढ़ने लगा। सबसे ज्यादा खतरा सदर द्वार पर था। वहां भीतर की तरफ से पाहवा के आदमी गोलियां बरसा रहे थे और बाहर की ओर से उसके आदमी द्वार पर गोलियां बरसा रहे थे। आग के शोले हर ओर चमक रहे थे। सोहन लाल अपना काम हिम्मत और मेहनत से कर रहा था, क्योंकि उसकी तरफ वाले हिस्से में ज्यादा और लगातार धमाके गूंज रहे थे। उठता हुआ धुआं और चिंगारियां आसमान को छूने की चेष्टा कर रही थी। दाईं ओर पिछली तरफ से धमाकों की गूंज जारी थी। शंकर दास के विचार अनुसार होटल का काफी बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था। शंकर दास होटल में कहीं मुनासिब जगह पर टाइम बम लगाना चाहता था, लेकिन वह भीतर प्रवेश करने का ठीक मौका न था। कोई भी गोली उसे लग सकती थी। आखिरकार उसने यही फैसला किया कि जब तक गोलियां चल रही हैं, तब तक उसका इसी तरह छिपा रहना ही ठीक है। भीतर से आ रही चीखों की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। भीतर ठहरे मुसाफिर आतंक से भरे जा रहे थे। होटल पर हर तरफ से हमला हो रहा था। वह कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। यहाँ तक कि पाहवा के आदमी भी बौखलाए हुए थे। होटल से बाहर निकलकर ही वह दुश्मनों का मुकाबला कर सकते थे और वह होटल से बाहर नहीं निकल सकते थे। मेन द्वार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थी और पिछले द्वार पर हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। शंकर दास ने कार के पहिए से टेक लगा ली। दाएं हाथ की तर्जनी उंगली राइफल के ट्रिगर पर थी। वह किसी भी तरह से अचानक आ जाने वाले खतरे से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयार था। हर मिनट में 2-3 खौफ से डूबी आवाजें होटल के द्वार की ओर से उसे सुनाई दे जाती थी। धमाकों और गोलियों का आरंभ कुछ इस प्रकार हुआ था कि उसे लग रहा था जैसे सदियों से यह धमाके सुनता आ रहा है। शंकर दास अपनी जगह से हिला और सिर ऊपर करके होटल के मेन द्वार की तरफ झांका। वहां पर लाशें ही लाशें बिखरी नजर आ रही थी। अभी तक उसे किसी और दिशा से चीख की आवाज न सुनाई दी थी। इसका मतलब कि उसके साथ आए व्यक्तियों में से कोई भी अभी हताहत नहीं हुआ था। सदर द्वार की ओर देखते हुए शंकर दास की आंखें सिकुड़ गई। जहां वह था वहां से मेन द्वार के भीतर स्पष्ट देखा जा सकता था। उसे पाहवा के कमांडो का ढेर लगा दिखाई दिया, जो हाथों में हथियार संभाले खड़े बाहर आने के मौके को तलाश में थे। शंकर दास ने अनुमान लगाया कि अगर वह सब एक साथ बाहर की ओर भागे तो इन चलती गोलियों के बीच उनमें से कुछ ही मरेंगे और अधिकांश जिंदा बचकर बाहर अंधेरे में पोजीशन ले लेंगे। बहुत खतरनाक बात थी। अगर ऐसा हो गया तो यह लोग उन पर हावी हो जाएंगे, जो कि होना नहीं चाहिए। शंकर दास किसी को भी अपनी स्थिति का एहसास नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन अब बात दूसरी थी। अगर भीतर दिखाई दे रहे सारे कमांडो हवा के झोंके की भांति बाहर आ गए तो उसकी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। फिर तो शायद वह टाइम बम भी होटल में नहीं लगा पाएगा। वह सीधा हुआ, पीठ पर मौजूद थैलों में से कुछ हैंड ग्रेनेड निकालकर अपने पास रखे और एक की पिन निकालकर द्वार के भीतर एक तरफ कमांडो पर निशाना लेकर फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और देखते ही देखते 2-3 कमांडोज के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। अन्य सब हड़बड़ाकर पीछे हो गए।
शंकर दास ने दांत फेंच कर दो ग्रेनेड और फेंके। एक तो मेन द्वार के समीप दीवार पर लगा और दीवार का वह हिस्सा उधड़ गया। क्षण भर के लिए वहां धूल ही धूल फैल गई। साथ ही उसके साथी जो गोलियां बरसा रहे थे, उन्होंने देखा देखी गोलियां छोड़कर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। फिर तो जैसे तबाही आ गई। ग्रेनेड द्वार से होते हुए होटल के भीतर भी गिर रहे थे, होटल की दीवारों पर भी लग रहे थे और पहली दूसरी मंजिल की खिड़कियों से होकर भीतर भी गिर रहे थे। देखते ही देखते होटल का वह हिस्सा खंडर में परिवर्तित होने लगा। पहले की अपेक्षा चीखों में अब बढ़ोतरी हो गई थी। भीतर से गोलियां चलनी बंद हो गई थी। कदाचित वह लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए थे। सोहन लाल पिछले डेढ़ घंटे से कहर बरसा रहा था। जिस हिस्से में वह हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था, होटल का वह हिस्सा बुरी तरह तहस नहस हो गया था। चेहरा और बदन पसीने से लथपथ हो चुका था। बाहों में थकावट आ जाने के कारण हल्का हल्का दर्द हो रहा था। हाथ में पकड़ा हैंड ग्रेनेड उसने पूरी शक्ति से फेंका। अंधेरे में कहीं चिंगारियों के साथ साथ जोर से धमाका गूंजा। एक और रखा सिगरेट का पैकेट सोहन लाल ने उठाया और सिगरेट सुलगा कर गहरा कस लिया। इतनी देर लगातार मेहनत करने के कारण सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा था। तीन चार कश लेने पर उसे राहत सी महसूस हुई। मस्तिष्क में छाया तनाव कम हो गया। फिर वह खिड़की से बाहर होटल जय गणेश पर निगाह दौड़ाने लगा, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा तहस नहस हो चुका था। सोहन लाल ने कमरे में निगाहें दौड़ाई। अभी भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैंड ग्रेनेड मौजूद थे। नीचे गोलियां और हैंड ग्रेनेड के धमाके बराबर कानों से टकरा रहे थे। सोहन लाल ने फैसला किया, कुछ देर और हैंड ग्रेनेड फेंकने के बाद वह नीचे जाकर अपने साथियों की सहायता करेगा, क्योंकि हैंड ग्रेनेडों से वह होटल को जितनी हानि पहुंचा सकता था वह पहुंचा दी थी। सिगरेट समाप्त करके वह पुनः हैंड ग्रेनेड फेंकने लगा। यह काम करते हुए अभी 10 मिनट भी ना बीते होंगे कि कदमों की तेज आवाज़ें उसके कानों में पड़ने लगी। वह ठिठका। तभी दरवाजे पर पूरे वेग से थपथपाहट होने लगी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा, बाहर से खूंखार स्वर सुनाई दिया। सोहन लाल ने होठ काटते हुए नई सिगरेट सुलगा ली। निगाहें दरवाजे पर थी, जहां बराबर थपथपाहट हो रही थी। तोड़ दो दरवाजा। सोहन लाल के बदन में सिहरन दौड़ गई। आवाज पहचानने में उसे जरा भी कठिनाई न हुई। वह पावा के दाएं हाथ महेश चंद्र की आवाज थी। अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे। तभी नीचे से आती आवाजों से उसे महसूस हुआ कि वहां लड़ने का अंदाज बदल गया है। पहले आ रही आवाजों को वह पहचान रहा था कि उसके साथी हाफी हैं, लेकिन अब लग रहा था जैसे वह आवाजें दब गई हों और अन्य हथियारों के चलने की आवाजें वहां गरजने लगी थी। उसी समय तेज आवाज के साथ दरवाजा टूट कर नीचे गिरा और धड़धड़ाते हुए दो आदमी भीतर आ गए। सोहन लाल ने फुर्ती के साथ हैंड ग्रेनेड उठाकर फेंकना चाहा। बस हरामजादे बस, महेश चंद्र का दहशत भरा स्वर उसके कानों से टकराया तो हैंड ग्रेनेड वाला उठा हाथ उठा ही रह गया। दरवाजे के बीचों बीच ब्रेन गन थामे महेश चंद्र खड़ा था। उसकी आंखें खून उबल रही थी। पीछे भी उसके गुर्गे खड़े थे, जिनके हाथों में ब्रेन गने मौजूद थी। दो गुर्गे जो कमरे के बीच जा चुके थे, अब उन्होंने जेब में से रिवॉल्वरें निकालकर हाथ में ले ली थी। सोहन लाल किसी बुत की मानिंद खड़ा रह गया। सारा कमरा उसे घूमता सा महसूस होने लगा। कमरे में हैंड ग्रेनेडों का ढेर लगा था। अगर उसने हैंड ग्रेनेड इन पर दे मारा तो यह अपने हाथों में थमे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इसी बीच ब्रेन गन से निकलने वाले छर्रे कमरे में पड़े ग्रेनेडों को लगेंगे और फिर शायद कुछ भी ना बचे। दो में से एक गुर्गा आगे बढ़ा और उसके हाथ से हैंड ग्रेनेड ले लिया। सोहन लाल बेजान सा खड़ा रह गया। महेश चंद्र आगे आया और दांत भींच कर ब्रेन गन की नाल उसके पेट में मारी। सोहन लाल दोनों हाथों से पेट थामे चीख कर दोहरा हो गया। मौत के भाव उसके चेहरे पर गहरे हो गए। कुतिया की औलाद, कहते हुए महेश चंद्र ने ब्रेन गन की नाल उसके गाल पर मारी। सोहन लाल चीख कर पीछे जा गिरा। मुंह में खून भराया, जिसे थूका तो बीच में एक दांत भी था। तुम भूल गए कि किससे टकराने चले थे। पाहवा से टक्कर लेने और जीतने के लिए तुम लोगों को 20 जन्म लेने पड़ेंगे। दो चार यह नन्हे मुन्ने हथगोले फेंक कर तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
बांध दो कुत्ते को। महेश चंद्र के कहने की देर थी कि उसके हाथ पांव बांध दिए गए। महेश चंद्र क्रोध में पागल हो रहा था। उसका गुस्सा अपनी जगह वाजिब था। आगे बढ़कर उसने जोरदार लात सोहन लाल की पीठ पर मारी। सोहन लाल चीख कर फिरकनी की तरह लुढ़क गया। इतने सारे आदमी होने के बावजूद भी वहां मौत सा सन्नाटा छाया रहा। सोहन लाल की भयभीत मौत से भरी निगाहें हर एक पर घूमती हुई महेश चंद्र पर जाकर स्थिर हो रही थी। मनी मन उसे अपने पर क्रोध आ रहा था। मौत से बचने का एक चांस था उसके पास। हाथ में पकड़े हैंड ग्रेनेड को वह दरवाजा टूटते ही इन पर फेंक देता। मरना तो उसे था ही, लेकिन उसके साथ यह भी मर जाते। 1% चांस था कि वह किसी प्रकार खुद को बचा लेता, परंतु यह सब तो बीती हुई सोचे थी। जो होना था वह तो हो ही चुका था। इसके शरीर के साथ हैंड ग्रेनेड बांधो और इसे खिड़की से बाहर वैसे ही फेंक दो जैसे यह हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था, महेश चंद्र ने शब्दों को चबाकर कहा। नहीं, महेश चंद्र की बात सुनकर सोहन लाल की रूह फना हो गई। लेकिन सोहन लाल की सुनने वाला वहां था ही कौन। बंधनों में वह छटपटाकर रह गया। सबने अपने हथियार एक तरफ रखे, अपने काम में जुट गए। सोहन लाल आतंक भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। उसकी मौत का सामान उसकी आंखों के सामने इकट्ठा हो रहा था। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा। ऐसी भयावह मौत से छुटकारा पाने के लिए उन्हें गालियां देने लगा कि शायद कोई क्रोध में आकर उसे गोली मार दे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। महेश चंद्र की सुरक्ती निगाहें सोहन लाल के आतंक भरे चेहरे पर ही टिकी रही। 15 मिनट में सब अपने काम से फारिग हो गए। हैंड ग्रेनेडों की पिने निकाल कर उन्हें कपड़े के सहारे सोहन लाल के शरीर से बांध दिया गया था। कुछ ग्रेनेड उसकी कमीज के भीतर डाल दिए थे जो कि उसकी पीठ और पेट से टकरा कर बदन में सिहरने पैदा कर रहे थे। फेंक दो, महेश चंद्र दांत भींच कर सर्द स्वर में बोला। सोहन लाल की आंखें आतंक से फट गई। वह इस तरह महेश चंद्र को देखने लगा जैसे वह पागल हो गया हो। जब उसे उठाया गया तो वह चीखने चिल्लाने उछलने लगा, परंतु बंधनों के कारण कुछ न हो सका। वह उसे खिड़की के पास ले गए, फिर किसी रबड़ के बबुए की भांति खिड़की से बाहर फेंक दिया। सोहन लाल की दहशतपूर्ण चीख उसके कानों में शीशे की तरह घुलती चली गई। नीचे गिरते हुए सोहन लाल का दिल उछलकर मुंह में जैसे आ पहुंचा। चारों तरफ मौत ही मौत उसे नजर आ रही थी। नीचे जाते हुए आंखें फाड़ कर नीचे देखा तो रूह कांप उठी। तभी तीव्रता के साथ उसका कंधा नीचे वाली मंजिल की खिड़की के छज्जे से टकराया। सोहन लाल तड़पा। अनजाने में ही उसके बाएं हाथ की उंगलियां छज्जे की मुंडेर पर जा टिकी। उसके जिस्म को तीव्र झटका लगा और नीचे जाता शरीर रुक गया। सोहन लाल के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। 2 क्षणों के बाद उसे एहसास हुआ कि क्या हो गया है। उसने फौरन दाएं हाथ से भी छज्जे की मुंडेर थाम ली। पल भर के लिए उसे लगा कि वह बच गया है। बुरी हालत हो रही थी, सांस उखड़ रही थी। उसे अपना ही नहीं शरीर के साथ कपड़े में लिपटे ग्रेनेडों का भी बोझ संभालना पड़ रहा था। चंद पलों की राहत के पश्चात उसने ऊपर देखा। जिस खिड़की से उसे फेंका गया था वहां पर कोई भी नजर न आया। सोहन लाल ने मन ही मन चैन की सांस ली। अगर ऊपर वाले को मालूम हो जाता कि इत्तफाक से उसके हाथ में छज्जे की मुंडेर आ गई है और वह गिरने से बच गया है, तो वह बड़े आराम से ग्रेनेड उठाकर उसकी खोपड़ी का निशाना लेकर उसे मार सकते थे, परंतु सब ठीक था। सोहन लाल ने नीचे निगाह मारी तो जैसे जान ही निकल गई। वह बहुत ऊपर लटक रहा था। नीचे कारों की कतारें नजर आ रही थी और अंधेरे के सिवाय कुछ भी आंखों को नजर न आया। सोहन लाल के चेहरे पर आतंक के साए मंडरा उठे। उसने घबरा कर आसपास देखा। ऐसा कोई भी सहारा नजर न आया कि जिसको पकड़कर मुंडेर से छुटकारा पाकर खुद को बचा पाता। उसके चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। मौत के भय से सारा चेहरा और शरीर पसीने से भर उठा। सिर के बालों से भी पसीने के गीलेपन का एहसास हुआ। इतना तो वह समझ गया कि इस तरह ज्यादा देर मुंडेर थामे नहीं रह सकेगा। हाथ की उंगलियां अभी से दर्द करने लगी थी। दिल कर रहा था कि मुंडेर छोड़ दे, परंतु जान का मोह ऐसा न करने पर उसे मजबूर कर रहा था। लेकिन वह जानता था इस प्रकार लटके रहने का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। देर सवेर में पीड़ा, दर्द और थकान के मारे उसे मुंडेर छोड़नी ही पड़ेगी।
उसके बाद उसके जीवन का खेल खत्म। एकाएक उसके शरीर को हल्का सा झटका लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का बोझ हल्का हो गया हो। कमर के साथ बंधा कपड़ा तो पेट पर बंधे ग्रेनेडों वाला कपड़ा खुल गया था और सारे ग्रेनेड कपड़े सहित नीचे गिरते चले गए थे। चंद पलों के उपरांत ग्रेनेडों के फटने के धमाके उसके कानों में पड़े। सोहन लाल ने भगवान का नाम लेकर आंखें बंद कर ली। ग्रेनेडों के जिस्म से जुदा होते ही मस्तिष्क से मौत का आधा भय तो समाप्त हो गया था, परंतु वह वहीं लटका था। इस बात का एहसास था कि ज़्यादा देर इस प्रकार नहीं लटका रह सकेगा। सोहन लाल ने आंखें खोली। अब बचने का एक ही रास्ता था कि जिस मुंडेर पर पंजे गड़ाकर वह लटका था उस छज्जे के ऊपर चढ़ जाए। इकलौती यही सूरत थी। सोहन लाल ने हिम्मत इकट्ठी की। सिर से पांव तक वह दहशत से भर उठा कि हर हाल में उसे अपनी जान बचानी ही है। उसने पुनः सावधानी से छज्जे के मुंडेर पर दोनों हाथों की उंगलियां गड़ाई और उछलकर कोहनियों को छज्जे पर अटकाना चाहा। बुरी किस्मत, हाथ की उंगलियां और दर्द करती। कलाई तो पहले ही साथ छोड़ने को तैयार थी और पंजों के हिलते ही पंजों ने साथ छोड़ दिया। सोहन लाल ने संभलने की बहुत चेष्टा की, परंतु कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। छज्जे पर से उसके हाथ छूट गए और वह पुनः भारी बोरी के साथ जमीन की तरफ गिरता चला गया। सोहन लाल के होठों से दहशत भरी चीख निकल गई। सोहन लाल को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके कूल्हों पर तगड़ा हथौड़ा दे मारा हो। गिर तो वह सिर और पीठ के बल रहा था, परंतु जब नीचे आकर उसका जिस्म टकराया तो वह कूल्हे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कूल्हे जमीन में धंस गए हों। होठों से चीख भी नहीं निकली और उसकी आंखें बंद हो गई। चेतना लुप्त सी हो गई। मस्तिष्क काफ़ी हद तक ठीक ठाक चल रहा था, परंतु होश गुड़मुड़ पड़े थे। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। मरा वह नहीं था, इस बात का एहसास था उसे, परंतु जिंदा कैसे बच गया वह समझ नहीं पा रहा था। उसमें हिलने की भी शक्ति शेष न बची थी। पूरा जिस्म पीड़ा के कारण सुन पड़ा हुआ था। कूल्हे तो ऐसे लग रहे थे जैसे हैं ही नहीं, जिस्म से जुदा होकर वह कहीं दूर जा गिरे हों। वह बेजान सा 5 मिनट तक वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। फिर किसी प्रकार उसने पीड़ा से भरे हुए टूटे जिस्म को संभाला। होठों से दर्द भरी कराहें भी निकली। सोहन लाल ने आंखें खोली। चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। धीरे धीरे उसकी आंखें देखने के काबिल होने लगी। हल्के से टटोल कर उसने अपने दाएं बाएं का एहसास किया। तब उसे लगा कि वह जमीन पर नहीं है। मन ही मन वह चौंका, हैरान हुआ। पूरी तरह आंखें खोलकर उसने दाएं बाएं देखा। वह मारुति कार की छत पर था और उसके गिरने से मारुति की छत 1 फीट तक करीब इस तरह नीचे धंस गई थी कि वह उसके बिल्कुल फिट आधा पड़ा था। सोहन लाल ने आंखें बंद करके मन ही मन भगवान और मारुति कार को धन्यवाद दिया जिसने उसे बचा लिया था। यह एक बात थी कि खौफ और पीड़ा के मारे वह उठने के काबिल न था। यहाँ तक कि भरपूर चेष्टा के पश्चात भी वह छत पर बने गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था। अतः कड़ी और लंबी मेहनत के पश्चात सोहन लाल कार की छत से छुटकारा पाकर नीचे आया। मौत के भय और खौफ से उसकी टांगें कांप रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वह बच निकला है। सिर उठाकर उसने ऊपर देखा, फिर मन ही मन सिर उठा। उल्लू के पट्टे महेश चंद्र ने तो उसे मारने में कोई कसर न छोड़ी थी, परंतु बचाने वाला उससे पड़ा था। सोहन लाल को अपने जिस्म के हिस्से अलग थलग मालूम हो रहे थे। कूल्हे तो सुन से पड़े हुए थे। जो कंधा गिरते समय छज्जे से टकराया था उसका हाल बुरा था। कांपती टांगों का तो ऐसा हाल था जैसे लगातार 2 दिन दौड़ता रहा हो। वह साथ देने से इनकार कर रही थी, परंतु यहाँ भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा सकता था। चारों तरफ खतरा ही खतरा था। महेश चंद्र अपने आदमियों के साथ इस तरफ आ सकता था, वैसे उसके इस तरफ आने का चांस कम ही था। वह सोच भी नहीं सकता होगा कि सोहन लाल को ऊपर वाले ने बचा लिया है, परंतु यहाँ खड़े रहना भी ठीक नहीं था। सोहन लाल ने अपने शरीर को सीधा किया, कार का सहारा छोड़ा। होठों से दर्द भरी चीख निकल गई, लेकिन इस वक्त जिस्मानी हालत को भूलना ही बेहतर था। सोहन लाल अपने शरीर की हालत को दुरुस्त करने के लिए धीरे धीरे हाथ पांव हिलाने लगा। जय गणेश के मेन द्वार का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था। अब वह लोग हैंड ग्रेनेडों के साथ साथ राइफल का भी प्रयोग कर रहे थे।
एक घंटा तो शंकर दास अपने साथियों का साथ देता रहा, फिर उसने धीरे धीरे दुश्मन पर हमला करना बंद कर दिया। वह किसी तरह होटल में प्रवेश करके टाइम बम लगाना चाहता था और उसे होटल में प्रवेश करने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ देर के पश्चात उसे महसूस हुआ कि एकाएक हथियारों की तेज आवाजें गूंजने लगी थी। वह फौरन सीधा हुआ और थोड़ा सा सिर उठाकर देखा। अगले ही पल उसे महसूस हो गया कि दुश्मनों ने उसके तीन साथियों को घेर लिया है और उन पर गोलियां बरसाए जा रहे हैं। वह शायद इसलिए बच गया था कि उसने काफ़ी देर से फायरिंग बंद कर रखी थी। कदाचित दुश्मनों ने सोचा होगा कि वह कब का अपनी जगह छोड़ चुका है। पीछे और दाईं तरफ से भी धमाकों की आवाज़ें कम हो गई थी। शंकर दास को महसूस हुआ कि वक्त गुजरता जा रहा है, कुछ ही देर में पावा के आदमी हर तरफ काबू पा लेंगे, फिर वह कुछ भी ना कर सकेगा। काफ़ी देर से पुलिस सायरनों की आवाज़ें गूंज रही थी। पुलिस कार पर लगी लाल लाइटें किसी फ्लैश की लाइट के समान चमक रही थी। इतना तो वह समझ ही चुका था कि पुलिस ने वह सारा इलाका घेर लिया है, परंतु अभी तक उस ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। शंकर दास ने पीठ पर लटक रहा थैला नीचे रखा, राइफल पहले ही एक और रख दी थी। कपड़ों में से उसने रिवॉल्वर निकाल कर हाथों में ली, फिर कारों की ओट में छिपते छिपाते वह उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगा था जहां सोहन लाल हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था, परंतु अब हैंड ग्रेनेड फेंकने बंद हो चुके थे। पावा के आदमी उसे टूटे फूटे हिस्से में से बाहर निकले थे। अब शंकर दास उसी हिस्से में से होटल में प्रवेश करके वहां टाइम बम लगाना चाहता था। कुछ देर बाद वह बिना किसी दिक्कत के उस जगह पर पहुंच गया। सोहन लाल ने वास्तव में अपना काम पूरा कर दिया था। हैंड ग्रेनेड ने कुछ इस ढंग से तबाही मचाई थी कि उस जगह की मरम्मत होनी भी असंभव थी। शंकर दास टूटी फूटी इमारत और मलबे की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा इस काम में उसका सहायक हो रहा था। बारूद की गंध वहां तीव्रता से फैली हुई थी। दूसरी ओर ब्रेन गन राइफल और रिवॉल्वरों के चलने की आवाज़ें उसके कानों में बिना रुके पटाखों के समान पड़ रही थी। शंकर दास ने सावधानी से रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था। आंखें चीते के समान चौकन्नी और खुद सतर्क था। मलबे के पास क्षण भर ठिटक कर उसने जगन्नाथ मैंशन की 11वीं मंजिल की ओर देखा जहां से सोहन लाल हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था, परंतु वहां कुछ भी नजर न आया। शंकर दास को हैरानी हुई कि सोहन लाल कहां गायब हो गया, परंतु इन सोचों में उसने वक्त बर्बाद नहीं किया और मलबे को फलांगता हुआ मीनार की तरफ बढ़ गया। वहां कोई भी न था, सब बाहर मोर्चा संभालने में व्यस्त थे। मलबा समाप्त हुआ तो शंकर दास एक कमरे में पहुंचा जो तहस नहस हो चुका था। छत में दरारें उत्पन्न हो चुकी थी। एक तरफ की दीवार बिल्कुल ही टूटी हुई थी। वह बिना रुके आगे बढ़ा। उस कमरे से बाहर निकलते ही उसे लंबी गैलरी दिखाई दी। वह तेज तेज कदम उठाता हुआ गैलरी में पड़ गया। हैरानी की बात थी कि वहां कोई भी नजर नहीं आया। शायद हैंड ग्रेनेडों के भय के कारण इस तरफ का हिस्सा लोगों ने खाली कर दिया था। गैलरी की एक तरफ कमरों की कतार थी और उसे पूरा यकीन था कि वह सारे कमरे पूर्णतः खाली होंगे। गैलरी की समाप्ति पर दाएं बाएं तरफ मोड़ था। उन मोड़ों में पहले ही उसे लिफ्ट बनी दिखाई दी। शंकर ने लिफ्ट चेक की, वह चालू हालत में थी। बिना क्षण गवाए वह भीतर प्रवेश कर गया और दूसरी मंजिल के लिए बटन दबाया। चंद क्षणों में ही वह दूसरी मंजिल पर था। वहां भी गैलरी थी और पास ही मोड़ थे। रिवॉल्वर संभाले वह आगे बढ़ा और आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ गया। उसके पास आखिरी काम किसी ऐसी मुनासिब जगह टाइम बम लगाना था कि फटते ही होटल का हर हिस्सा उड़ जाए। तभी सामने से होटल के दो कर्मचारी बदहवास से आते दिखाई दिए। उसे देखते ही ठिठके, फिर हाथ में दबी रिवॉल्वर देखते ही उनकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गई। इससे पहले कि वह पलटकर भागते, शंकर दास ने दांत भींचकर दो बार ट्रिगर दबाया। दो धमाके हुए और दोनों चीखते हुए गिरकर तड़पने लगे। उनकी छातियों पर खून के धब्बे प्रकट हो गए। अब शंकर दास लगभग भागने के से अंदाज में आगे बढ़ने लगा। रिवॉल्वर की गूंज हर ओर गूंज गई होगी। कभी भी किसी भी तरफ से खतरा आ सकता था। जाने किस किस रास्ते से वह गुजरता हुआ होटल के बीच के हिस्से में जा पहुंचा। अभी तक कोई खतरा सामने नहीं आया। अलबत्ता कुछ नई आवाज़ें उसके कानों में पड़नी आरंभ हो गई थी। जाहिर था होटल में उसकी तलाश आरंभ हो चुकी थी, खास तौर पर दूसरी मंजिल पर।
चूंकि वह होटल के बीच के हिस्से में पहुंच चुका था, इसलिए यहां पर आते जाते लोग दिखाई दे रहे थे। वह वही थे जो होटल में ठहरे हुए मुसाफिर थे, परंतु इस समय हर कोई मौत के भय से कांप रहा था। शंकर दास ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली। रिवॉल्वर के कारण वह खामखा किसी की निगाहों का केंद्र नहीं बनना चाहता था। अब उसकी निगाहें कोई ऐसी जगह तलाश कर रही थी जहां बम लगाया जा सके। तभी उसे पहवा के आदमी आते दिखाई दिए। उसके सामने होटल में ठहरने वाले चंद एक मुसाफिर खड़े थे और उनके पास से कमांडो आ रहे थे। बहुत खतरनाक वक्त था, अगर उन्होंने देख लिया तो सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। उसने फौरन आसपास देखा। कुछ दूरी पर उसे एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए वह फौरन दरवाजे की तरफ लपका। हैंडल पर हाथ रखकर दबाया तो दरवाजा खुल गया। वह तुरंत भीतर प्रवेश कर गया और दरवाजे पर सिटकनी चढ़ा दी, लेकिन गड़बड़ हो चुकी थी। पाहवा के कमांडो की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। वह भागते हुए वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। आई मुसीबत, शंकर दास ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम नहीं बच सकते शंकर दास, बाहर से एक आवाज आई। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। बेहतर होगा खुद को हमारे हवाले कर दो, दरवाजा खोलकर हाथ ऊपर उठा लो। शंकर दास होठ भींचे दरवाजे को देखने लगा। सुना नहीं तुमने वह लोग क्या कह रहे हैं, दरवाजा खोल दो। शंकर दास उछल कर पलटा, पीछे वर्दी पहने वेटर खड़ा था। यह कमरा होटल का स्टोर रूम था, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करते ही दरवाजे पर थपथपाहट आरंभ हो गई थी, इसलिए आसपास निगाह दौड़ाने का उसे वक्त नहीं मिला था। वेटर खौफपूर्ण निगाहों से उसे देख रहा था। शंकर दास की आंखों में कहर के भाव आ गए। उसने जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल ली। वेटर की आंखें आतंक से फट पड़ी। इससे पहले कि वेटर उल्टी सीधी उछल कूद करता, शंकर दास उछला और रिवॉल्वर के दस्ते का भरपूर प्रहार उसके सिर के पृष्ठ भाग में किया। अगले ही पल वेटर कराह कर सिर थामे नीचे लुढ़कता चला गया। मिलिट्री की नौकरी ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग के दौरान उसे इन बातों का परीक्षण दिया गया कि इंसान के सिर पर कहां वार करके बेहोश किया जा सकता है, वरना आम इंसान तो सिर पर वार कर करके सिर फोड़ दे और आदमी मर जाए लेकिन बेहोश ना हो सके। इस तरह बेहोश करने का एक खास आर्ट था जिससे शंकर दास भली भांति वाकिफ था। दरवाजा तोड़ दो और अपने अपने हथियारों पर काबू रखो, उसे देखते ही गोलियों से भून दो, बाहर से आती कठोर आवाज सुनाई दी। शोर और आहटों से उसे महसूस हो गया कि वह अब ज्यादा आदमी इकट्ठे हो चुके हैं। दरवाजों पर भारी भारी ठोकरें पड़ने लगी। शंकर दास के जबड़ों में कसाव आ गया। आंखों में मौत के चिन्ह उजागर हो गए। जिस्म की मांसपेशियां तन गई। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसने हिलते हुए दरवाजे को देखा, फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर कपड़ों में छिपाया टाइम बम निकाल लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मरने से पहले वह इन सब की मौत का इंतजाम भी कर देना चाहता था। टाइम बम के बाहर दिखाई दे रही तारों को उसने जोड़ दिया। टाइम बम की घड़ी की सुई में एकाएक हरकत हुई और वह टिक टिक की आवाज के साथ आगे बढ़ने लगी। दरवाजे की थपथपाहटों में अब तेजी आ गई थी। जोरदार ठोकरें वहां पड़ रही थी। शंकर दास ने एक बार भी दरवाजे की तरफ न देखा। उसने बम फटने का टाइम सेट किया जो कि अब से सिर्फ 5 मिनट बाद का था। फिर उसने टाइम बम को चादरों के रैक के पीछे आहिस्ता से रख दिया। उसे जयचंद पाटिया के शब्द याद आए, इस टाइम बम में बहुत ज्यादा पावर है, अगर यह पावा के होटल में फट जाए तो वहां की एक एक ईंट इस तरह अलग हो जाएगी कि उन्हें फिर से काम में न लाया जा सके। शंकर दास ने रिवॉल्वर जेब से निकाली और हिलते दरवाजे को देखने लगा। दरवाजे पर पड़ रही ठोकरें उसे अपने मस्तिष्क में महसूस हो रही थी। चेहरा पत्थर के समान सख्त और भावहीन हो चुका था। फिर वह निगाहें दौड़ाता हुआ कमरे को देखने लगा। एकाएक उसकी निगाह सिकुड़कर सामने दीवार पर स्थिर हो गई। वहां पर 2x2 फुट का एक खाना दिखाई दे रहा था जिस पर प्लाईवुड का पेंट किया सरकाने वाला छोटा सा टुकड़ा लगा था। शंकर बिल्ली के समान झपट कर आगे बढ़ा और प्लाई का वह छोटा सा टुकड़ा सरका कर एक तरफ किया तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वह दीवार के बीच लगा ऐसा खाना था जिसमें से सामान दूसरी तरफ पहुंचाया जाता था। दूसरी तरफ भी स्टोर रूम की तरह ही कोई कमरा था। देर करना बेवकूफ़ी थी, जिंदगी और मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी।
रिवॉल्वर जेब में डाली और 2x2 फुट के खाने में पहले हाथ डाले, फिर सिर और किसी सांप की भांति रेंगता हुआ दूसरे कमरे में जा गिरा। इस कमरे में कोई भी नहीं था। शंकर दास का दिल छाती के साथ जोर जोर से टकराने लगा। मौत को उसने पीछे धकेल दिया था। रिवॉल्वर जेब से निकालकर हाथ में ली और आगे बढ़कर हैंडल दबाते हुए दरवाजा रफ्तार के साथ खोला और रिवॉल्वर वाला हाथ आगे कर दिया ताकि द्वार पर दुश्मन घात लगाए बैठे हों तो उन्हें संभलने का मौका न मिले। परंतु बाहर कोई भी नहीं था। जिस कमरे में बम लगाया था उसका दरवाजा दूसरी तरफ खुलता था और इस कमरे का दरवाजा दूसरी तरफ। किसी प्रकार का खतरा सामने नहीं आया। वह बाहर निकला और दरवाजा बंद करके दबे पांव आगे भागने लगा। यह छोटी सी गैलरी थी। तभी पीछे से आती जोरदार आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह समझ गया दरवाजा टूट गया है और वह लोग भीतर आ गए होंगे। वह फौरन समझ जाएंगे कि वह किस प्रकार फरार हुआ है। उसने घड़ी देखी। टाइम बम लगाए 3.5 मिनट बीत चुके थे। 1.5 मिनट के बाद यहाँ हर तरफ तबाही दिखाई देनी थी। शंकर दास तेजी से भागने लगा। वह इन दीवारों में फंसकर नहीं मरना चाहता था। उसने अपना काम पूरा कर दिया था। अब उसके सामने जिंदगी थी जिसे वह कहीं दूर शांति की जगह पर बिताना चाहता था। यह उसकी जिंदगी का आखिरी हंगामा था। तीरथ राम पाहवा टाइम बम के ब्लास्ट के बाद बच नहीं सकेगा। वह जानता था कि पाहवा इसी होटल में है, अपने ऑफिस में है और इस विश्वास के साथ बैठा होगा कि उसके आदमी हर प्रकार की स्थिति पर काबू पा लेंगे। इंस्पेक्टर देशमुख से किए गए वायदे के अनुसार पाहवा की मौत होनी लाजमी थी, जो कि टाइम बम फटते ही हो जानी थी। शंकर दास को दीवार पर लगी खिड़की दिखाई दी। वह तुरंत ही उसके पास पहुंचा। खिड़की 1 मंजिल ऊंची थी, परंतु उसके पास लंबाई ऊंचाई नापने का वक्त नहीं था। वह चौखट पर चढ़कर कूदने ही वाला था कि उसे पास से गुजरती लोहे की पाइप दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर पाइप थामी और तेजी से नीचे सरकने लगा। रिवॉल्वर उसने मुंह में दबा लिया था। दूसरी मंजिल समाप्त होते ही पाइप भी समाप्त हो गई थी। वह दीवार के भीतर कहीं जाकर लुप्त हो गई थी। शंकर दास ने पाइप से हाथ छोड़ दिया। वह सीधा नीचे जाकर गिरा और संभलते संभलते भी लुढ़क गया, फिर उठा और तीर की भांति भाग खड़ा हुआ। कुछ क्षण में ही उसे होटल का पिछला हिस्सा दिखाई दिया, जिसे कि उसके आदमियों ने हैंड ग्रेनेडों के द्वारा तबाह कर डाला था। शंकर दास को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं आया कि वह बाहर आ गया है। उसका थक चुका शरीर फुर्ती से भर गया। टाइम बम फटने में कोई वक्त नहीं रह गया था। वह किसी भी आने वाले सेकंड में फट सकता था। वह उसी प्रकार दौड़ता हुआ होटल के पिछले ध्वस्त हिस्से में पहुंचा और मलबा फलांगते हुए वह बाहर की तरफ बढ़ने लगा। मलबे पर ही उसे कुछ लाशें दिखाई दी, परंतु उन्हें देखे बिना वह आगे बढ़ता रहा। जो ही वह होटल के दायरे से बाहर पहुंचा, कान फाड़ देने वाला जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी गूंज से कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। धरती का कंपन इस कदर तेज था कि वह लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा। बिना वक्त गवाए वह उठा और सामने भागा। शंकर दास इस जगह से दूर निकल जाना चाहता था। अभी चंद फीट ही आगे बढ़ा होगा कि तीव्र गति से आती ईंट उसके कंधे से टकराई। वह पूरी शक्ति से चीख उठा। उसके पांव उखड़ गए। उसका बदन कुछ आगे जाकर सड़क से टकराया और लुढ़कता हुआ सड़क के पार खड़ी कार से टकरा कर रुक गया। शंकर दास गहरी गहरी सांसें लेने लगा। बदन में कई जगह खरोचे आ गई थी। कपड़े कई जगह से फट गए थे। उसने कराह कर आंखें खोली और पाहवा के होटल की तरफ आगे गड़ा दी। वातावरण में धूल ही धूल थी। आंखें खोलने में कठिनाई पेश आ रही थी, परंतु उसने किसी तरह आंखें खोलकर देखा। पाहवा का होटल खंडर की तरफ हो गया था। उसके होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। वह जीत चुका था। वह विजेता था। एकाएक मृत पड़ा वातावरण जिंदा हो उठा। पुलिस का तगड़ा घेरा फौरन हरकत में आ गया। सायरन पुनः चीखने लगे। कारों की हेडलाइटें रोशन हो गई। वह सब धड़ाधड़ कारों से बाहर निकलने लगे। शंकर दास की हालत अजीब सी हो गई। पाहवा के होटल को तबाह करने के चक्कर में वह भूल ही चुका था कि होटल को कब का पुलिस घेर चुकी है। अभी भी वक्त था, वह निकल सकता था। जब रात का अंधेरा और बम की तबाही में व्यस्त पुलिस वालों की निगाह में धूल झोंक सकता था। उसके आसपास कोई पुलिस वाला नहीं था। वह उठने की सोच ही रहा था कि वही कार जिससे टकराकर वह रुका था, उसका दरवाजा खुला।
शंकर दास ने लेटे ही लेटे देखा, कार में से एक भारी बूट बाहर निकला। बूट उसके पेट पर पड़ने लगा। फिर भीतर वाले व्यक्ति ने टांग आगे बढ़ाकर बूट सड़क पर टिकाया और बाहर आ गया। तो क्या यह भी पुलिस कार है? फिर अन्य दरवाजे खोलकर दो और पुलिस वाले बाहर निकले और शंकर दास के गिर्द खड़े हो गए। शंकर दास उनके जिस्म पर पड़ी वर्दियां पहचान चुका था। कौन हो तुम? एक पुलिस वाले ने अधिकार भरे स्वर में पूछा। शंकर दास ने कोई जवाब ना दिया। उत्पन्न हो चुकी स्थिति पर हैरान था। कार से टॉर्च निकालो, एक ने कहा। दूसरे ने कार की खिड़की में से हाथ डालकर टॉर्च निकाली और रोशन करके रोशनी शंकर दास पर डाली। शंकर दास आंखें फाड़े उसी प्रकार पड़ा रहा। रोशनी उसके चेहरे पर जाकर स्थिर हो गई। यह तो शंकर दास है, तभी एक पुलिस वाले ने चौंक कर कहा। कुछ दिन पहले ही जेल से फरार हुआ था, इसे फांसी की सजा हो चुकी है। नहीं नहीं, यह शंकर दास नहीं है, शंकर दास ने चीख कर कहना चाहा, परंतु होठों से कोई शब्द ना निकला, जुबान चिपक कर रह गई थी। अगले ही पल उसके जिस्म से पुलिस रिवॉल्वर सट गई। दूसरे पल एक ने पुलिस विसल होठों में दबाकर बजा दी। पुलिस के बूटों की आवाजों से वातावरण गूंज उठा। वहां धड़ाधड़ पुलिस वाले पहुंचने लगे। शंकर दास ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। सब कुछ समाप्त हो चुका था। अगर उसे मालूम होता कि उसकी आखिरी मंजिल फांसी का फंदा ही है, तो वह पावा के होटल से कभी भी बाहर न आता, अपने ही लगाए बम में खुद भी समाप्त होकर रह जाता। वह मिलिट्री मैन था, शान से जान देने में फख्र समझता था। अपनी जान दे देने से फांसी तक उसे जो घुट घुट कर जीना था, उससे बच जाता। परंतु किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता था? सोहन लाल टूटता फूटता जैसे तैसे आगे बढ़ने लगा था। हिम्मत तो उसमें बहुत बची थी, परंतु जिस्म साथ नहीं दे रहा था। एक निगाह उसने जय गणेश के उस हिस्से पर डाली जहां उसने ग्रेनेड फेंके थे। वहां की हालत देखते ही वह मन ही मन खुश हो गया। अगर उसकी हालत जरा भी काबिल होती तो अपनी पीठ ठोक कर खुद को शाबाशी अवश्य देता, परंतु करा कर ही उसने काम चलाया। अब ग्रेनेडों के धमाकों के बीच फायरिंग की आवाजें भी शामिल हो गई थी। सोहन लाल समझ गया कि पावा के आदमी संभल कर हरकत में आने शुरू हो गए हैं। उसे शंकर दास का ध्यान आया। वह कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? अगले ही पल सोहन लाल ने सिर झटक कर शंकर दास का विचार अपने मस्तिष्क से निकाला। इस समय वह अपनी हालत देखने के तो काबिल नहीं था। शंकर दास के बारे में सोचने का क्या फायदा? सोहन लाल का मन अभी वहां से जाने का नहीं कर रहा था, परंतु उसका शरीर वहां ठहरने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसे इलाज और डॉक्टर की आवश्यकता थी, उसके बाद आराम की। कोई और वक्त और हालात होते तो वह एक कदम भी न चलता, परंतु यहाँ चारों तरफ मौत ही मौत थी, जिससे वह दूर हो जाना चाहता था। सामने की तरफ से निकलने में भारी खतरा था। वहाँ ग्रेनेडों और गोलियों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था, उसे कुछ भी लग सकता था। और फिर पुलिस गाड़ियों के सायरन अब उसके कानों में बजने लगे थे, यानी कि पीछे से निकल जाना ही बेहतर था। सोहन लाल जैसे तैसे तेजी से पीछे की तरफ पड़ने लगा। 5 मिनट पश्चात जब वह जय गणेश के पिछवाड़े की सड़क तक पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखते ही ठगासा रह गया। फिर तेजी से 2 कदम पीछे हटकर दीवार की ओट में हो गया। पल भर में ही उसके शरीर में छाया दर्द जाने कहां गायब हो गया। टूटा झुका जिस्म एकदम सीधा हो गया, होठ भींच गए, चेहरे पर सोच और चिंता के भाव छाते चले गए। सामने ही शंकर दास पुलिस के घेरे में था। वह ढेर सारे पुलिस वाले थे। शंकर दास उनके बीच बेबस खड़ा था। उसकी स्थिति देखकर ही सोहन लाल समझ गया था कि शंकर दास गया, वह नहीं बच सकेगा पुलिस से। सोहन लाल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कर सकता है। वह अकेला था और मात्र एक रिवॉल्वर थी उसके पास, जबकि सामने शंकर दास को घेरे खड़े पुलिस वाले करीब 14 थे और उनमें से 4 के पास हथियार थे। वैसे भी सोहन लाल के अपने विचार थे कि पुलिस वालों के सामने तो छाती फुलाकर भी सांस नहीं लेनी चाहिए, कतराकर ही निकल जाना ठीक है। टकराने की तो बात ही बहुत दूर की थी, परंतु शंकर दास उसके सामने पुलिस के घेरे में था। सोहन लाल होठ भींचे सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है। क्या एक रिवॉल्वर के बलबूते पर 14 पुलिस वालों का मुकाबला करके उसे बचा सकता है? नहीं, शंकर दास को नहीं बचा सकता। इनके बीच में आने का मतलब ही खुद की ही मुसीबत में डालना। कहीं वह भी कानून के घेरे में जा फंसा
तो सारी उम्र जेल में ही पिसकर रह जाएगा। सोहन लाल ने वहां से निकल चलने का फैसला किया। उसने जेब में पड़ी रिवॉल्वर को थपथपाया। इस शहर की पुलिस की निगाहों में वह साफ था, सिवाय इसके कि पावा के इशारे पर पुलिस वालों को भी उसकी तलाश थी। वहां से पलटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सामने की तरफ ज्यादा खतरा था, इधर कुछ ही पुलिस वाले थे जिनसे बचकर निकला जा सकता था। वैसे भी अब उनका ध्यान शंकर दास जैसे मगरमच्छ की तरफ था, इसलिए उसकी तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही किसे होगी, यह सोहन लाल का विचार था। सोहन लाल दीवार की ओट से निकला और धीरे धीरे चलता हुआ सड़क पर आ गया था। उसे उन पुलिस वालों के शंकर दास के पास से ही निकलना था। इस समय मात्र यही दिक्कत थी उसे। मस्तिष्क की व्यस्तता बढ़ जाने के कारण अब उसका शरीर कम ही पीड़ा हो रहा था, चाल भी काफी हद तक ठीक थी। ए रुको, पुलिस वालों का तेज स्वर उसके कानों से टकराया। तब वह उनके करीब से गुजर रहा था। सोहन लाल के होठ भींच गए, फिर वह सामान्य चेहरा लिए पलटा। सबसे पहले उसकी निगाह शंकर दास से टकराई। सोहन लाल को सामने पाकर शंकर दास की आंखें चमक उठी। उसे आशा की किरण नजर आने लगी कि शायद सोहन लाल उसे बचा ले। हथियार लिए पुलिस वाला उसके पास पहुंचा। कौन हो तुम? पुलिस वाले का स्वर बेहद सख्त था। कौन हूँ? सोहन लाल ने माथे पर बल डालकर कहा। देख नहीं रहे, आदमी हूँ। तुम्हारे बोलने का ढंग ठीक नहीं है। मैं होटल के भीतर हो रही बमबारी से बचकर निकला हूँ, घायल हूँ। तुम्हें मेरे साथ सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने ही यह सब किया हो। पुलिस वाला कुछ ढीला हुआ। ठीक है अब जाओ यहाँ से, पुलिस वाले ने उसे चलता करने की चेष्टा की। सोहन लाल आगे बढ़ने को हुआ कि अन्य पुलिस वाले का स्वर सुनकर ठिठका। यह तो मुझे सोहन लाल जैसा लगता है। सोहन लाल? सोहन लाल के पास खड़े पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को देखा। वही जिसकी पावा को तलाश है, हुलिया वैसा ही लगता है इसका। सोहन लाल का दिल जोरों से धड़का। उसके पास खड़े पुलिस वाले ने उसे घूरा। क्या नाम है तेरा? राम सिंह। असली कि नकली? पुलिस वाले ने बेहद सख्त स्वर में कहा। सोहन लाल ने फौरन खुद को संभाला, फक पड़े चेहरे पर कंट्रोल किया, धड़कते दिल को समझाया कि काबू से बाहर ना हो और हिम्मत करके तीखे स्वर में कह उठा। तुम पुलिस वाले हो कि क्या हो? कभी मेरा नाम पूछते हो, कभी मुझे सोहन लाल कहते हो, कभी मेरे नाम को नकली कहते हो। ज्यादा से ज्यादा थाने ही ले जाओगे ना मुझे? ले चलो, वहां तुम सबको विश्वास दिला दूंगा कि मैं राम सिंह ही हूँ और मेरे बाप का नाम अमर सिंह है। पुलिस वाला अनिश्चित सा खड़ा रहा। शंकर दास की निगाह हर तरफ घूम रही थी। तभी उसके पास खड़ा पुलिस वाला निर्णायक ढंग से कह उठा। सोहन लाल पाहवा का दुश्मन है और सामने पाहवा का होटल उड़ाया जा रहा है। बात कुछ समझ में आती है, इसे थाने ले चलो, वहां जाकर इससे बात करेंगे। जीप में बिठा दो इसे। सोहन लाल की खोपड़ी उलट गई। वह समझ गया कि फंस गया, बुरे हाल फंसा। अगले ही पल सोहन लाल ने मन ही मन खुद को पक्का किया और शंकर दास को घेरे खड़े पुलिस वालों की तरफ तेजी से बढ़ा और उनमें मौजूद सब इंस्पेक्टर के करीब पहुंचकर ठिठका। इंस्पेक्टर साहब, यह तो ज्यादती है, किसी शरीफ नागरिक को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। मैं? पुलिस स्टेशन चलकर बात करना, सब इंस्पेक्टर ने रूखे स्वर में कहा। फिर पास खड़े पुलिस वालों से बोला, शंकर दास के हाथों में हथकड़ी डाल दो, कड़ी सुरक्षा में इसे थाने ले जाओ, मैं यहाँ से निपट कर पहुँचता हूँ। तभी जैसे तूफानी हलचल सी हुई, फिर सब कुछ थम गया। सोहन लाल की रिवॉल्वर सब इंस्पेक्टर की कमर पर लग चुकी थी और सोहन लाल की बाहें सब इंस्पेक्टर की गर्दन से लिपट गई थी, उंगली ट्रिगर पर थी। सब इंस्पेक्टर ठगा सा खड़ा रह गया था। सोहन लाल की उंगली ट्रिगर पर चेहरा कठोर और खतरनाक हुआ पड़ा था। अन्य पुलिस वाले भी यह सब देख कर ठगे से रह गए थे। हिलना नहीं, सोहन लाल गुर्राया। यह क्या कर रहे हो? चुप, सोहन लाल दहाड़ा, जुबान मुंह में। सब इंस्पेक्टर दांत फींच कर रह गया। शंकर दास अपनी जगह से हिला और एक हाथ से रिवॉल्वर ले ली। तुम पागल तो नहीं हो गए? सब इंस्पेक्टर बोला। जानते हो क्या कर रहे हो? जानता हूँ। पुलिस से टकराने का मतलब? जानता हूँ, मेरा तो धंधा यही है, सोहन लाल कड़वे स्वर में कह उठा। उल्लू के पट्टे हो तुम सब लोग, कुत्ते हो, तनख्वाह सरकार से लेते हो और जी हजूरी तीरथ राम की कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो मैं ही हूँ, जो करता हूँ सबके सामने तो करता हूँ। तुम जुबान मुंह में रख,
सोहनलाल गुर्राया। सब इंस्पेक्टर ने खतरा भांप कर फौरन मुंह बंद कर लिया। सोहनलाल और शंकर दास की निगाहें मिली। चलो, सोहनलाल ने अच्छी तरह सब इंस्पेक्टर को रिवॉल्वर के साए में ले लिया। कहाँ? सब इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ा। अपनी पुलिस गाड़ी की तरफ, उसका इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ से जाने के लिए। तुम पागल तो नहीं हुआ? मेरे खानदान में कोई पागल नहीं हुआ तो मैं कैसे हो सकता हूँ? सोहनलाल ने दांत फींच कर कहा, जो मैं कह रहा हूँ वही कर, वरना तेरी गिनती शहीदों में होने लगेगी। अपने ऑफिसर्स को रिवॉल्वर के दबाव में देखकर सब पुलिस वाले सीधे खड़े थे। वह जानते थे कि उनकी गलत हरकत सब इंस्पेक्टर की जान ले सकती है। तभी शंकर दास रिवॉल्वर थामे दरिंदे की भरे अंदाज में आगे बढ़ा। पुलिस गाड़ी की तरफ तूने चलना है कि नहीं? शंकर दास का खतरनाक स्वर सुनकर सब इंस्पेक्टर कांप सा उठा। कोई रास्ता ना पाकर वह उनके साथ हो गया। सब पुलिस वाले वहीं खड़े रहे। तीरथराम पावा के होटल को तुम लोगों ने उड़ाया है? सब इंस्पेक्टर ने चलते हुए सूखे स्वर में पूछा। हाँ, क्यों? उसने हमारी विलायती भैंस खोल ली थी, सोहनलाल शब्दों को चबाकर बोला। इस जवाब पर क्षण भर के लिए सब इंस्पेक्टर सक पकाया। पुलिस जीप की तरफ क्यों जा रहे हो? यहाँ से जाने के लिए हमें कुछ चाहिए और पुलिस गाड़ी से बढ़िया सवारी इस समय और क्या हो सकती है? पुलिस गाड़ी को ले जाने का मतलब समझते हो तुम लोग? किसी पुलिस वाले की हत्या कर देने से तो कम ही मतलब निकलता होगा। शंकर दास की धमकी सुनकर सब इंस्पेक्टर खामोश हो गया। वह लोग पुलिस जीप के करीब जा पहुंचे। शंकर दास ने सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर वहां से दूर उछाल दी। फिर वह उछलकर जीप की स्टीयरिंग सीट पर बैठा और जीप स्टार्ट की। सोहनलाल उसकी बगल में आ बैठा। उसकी रिवॉल्वर सब इंस्पेक्टर की तरफ तनी हुई थी, जो कि बेबस खड़े अंदाज में खड़ा था। चलें? सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा। अब सब इंस्पेक्टर क्या कहता? शंकर दास ने जीप आगे बढ़ा दी और पलों में ही वह दोनों वहां से दूर होते चले गए। सोहनलाल ने रिवॉल्वर जेब में डालकर सिगरेट सुलगा ली। पुलिस जीप से हमें फौरन छुटकारा पाना है, यह हमें फंसा भी सकती है, शंकर दास बोला। पालो। 10 मिनट पश्चात ही वह दोनों जीप को सड़क के किनारे छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ गए थे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी। शंकर दास ने गहरी सांस लेकर सोहनलाल को देखा। मजा नहीं आया। होटल के भीतर मौजूद पाहवा जिंदा ही बच गया होगा। क्या कहा जा सकता है, हो सकता है मर भी गया हो। अगर यही सिलसिला 15 मिनट और चलता तो तब शायद मर जाता, अभी वह नहीं मरा। सोहनलाल गहरी सांस लेकर रह गया। यह बातें बात की हैं, सोचो कि अब हम जाएं कहाँ। सुंदरलाल वाला ठिकाना तो गया हाथ से, उसे पाहवा के आदमी ले जा चुके हैं। उसका घर अब पाहवा की निगाह में है। शंकर दास होठ पीछे चलता रहा। अब एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। कौन सा? शंकर दास ने उसे देखा। जयराम पाटिया, हमारे छिपने और आराम से रहने का इंतजाम वह करेगा, सोहनलाल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। हमें उसकी और उसे हमारी जरूरत है। ठीक कह रहे हो। कुछ आगे जाकर दोनों टैक्सी पर सवार हो गए। सोहनलाल की आंखों के सामने वह दृश्य घूम उठा जब वह ऊपर से नीचे गिरा था। खौफ के मारे बदन में एक साथ जाने कितनी सिहरनें दौड़ती चली गई। वह समझ न पाया कि जिंदगी में कौन सा काम उसने अच्छा किया था कि जो बच निकला है। जयराम पाटिया से उनकी मुलाकात इस रात तो नहीं, अलबत्ता अगले दिन सुबह नाश्ते के समय हुई। रात को जयराम पाटिया वहां नहीं था। कहां था, यह बात वहां मौजूद आदमियों को भी पता नहीं थी। रात दोनों चैन की नींद सोए। उनकी नाश्ते की टेबल भी सुबह 11 बजे लगी थी। वह दोनों नाश्ता करने की तैयारी में थे कि पाटिया ने भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गुड मॉर्निंग बोथ, जवाब में सोहनलाल और शंकर दास मुस्कुराए। मुझे आशा है रात अच्छी बीती होगी, पाटिया उनके सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। कौन सी रात? सोहनलाल ने सिर उठाया। यहाँ आने से पहले वाली रात या यहाँ पहुँचने के बाद का हिस्सा, हम गहरी नींद सो रहे थे, जवाब में पाटिया हंसकर रह गया। नाश्ता शुरू हुआ। तुमने नाश्ता नहीं किया अभी तक, सोहनलाल ने पाटिया को देखा। कब का कर लिया, फिर दोबारा, क्या फर्क पड़ता है, जयराम पाटिया हंसा। लंच समझकर कर लूंगा, सोहनलाल ने मुंह बिचकाया। फिर वह सारे नाश्ते में व्यस्त हो गए। रात का हादसा क्या रंग लाया, शंकर दास ने पूछा। जो भी रहा ठीक रहा, जयराम पाटिया ने गंभीर स्वर में कहा।
50% हिस्सा होटल का खत्म हो गया। अब वह इस्तेमाल के काबिल तो रहा ही नहीं। मैं होटल के बारे में पूछ नहीं रहा हूँ, तो पाहवा के बारे में पूछ रहा हूँ। वह जिंदा है कि मर गया? जयराम पाटिया अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे इतना भर कर देने से पाहवा मर जाएगा, तो वह कब का मर चुका होता। इतना आसान नहीं है पाहवा को ख़त्म करना, जयराम ने कड़वे स्वर में कहा। आसान होता तो कब का तीरथ राम का किस्सा ही खत्म हो चुका होता। तुम करते? हाँ, तो अब क्यों नहीं कर देते? कल तुम्हें बताया तो था, जयराम ने चुपते स्वर में कहा। तीरथ राम पाहवा से निपट पाना मेरे बस का नहीं है। वह बहुत ज़्यादा ताकत रखता है और उसके मुकाबले मैं कुछ भी नहीं रखता। मतलब कि तीरथ राम पाहवा बच निकला? वह खतरे में ही कहाँ था जो बच निकलता। जयराम का स्वर कड़वा हो गया। उसे मारने के लिए एक साथ होटल जय गणेश को नीचे गिराते तो तब वह मरता। पुलिस के आने के बाद होटल से निकला होगा? हाँ, शान से पुलिस के बीच में से निकला है। पाटिया ने गहरी सांस ली। शंकर दास कुछ नहीं बोला। नाश्ता समाप्त हुआ, कॉफ़ी आ गई। तीनों कॉफ़ी के घूंट भरने लगे। तुम दोनों रात को पुलिस के फंदे में आ गए थे, एकाएक जयराम ने पूछा। तुमसे किसने कहा? पुलिस के बीच इस बात की चर्चा है। हाँ, पुलिस के फंदे में फंसकर बच निकले, नहीं तो अब तक हमारा किस्सा खत्म था। जयराम पाटिया ने सिर हिलाया और कॉफ़ी के साथ सिगरेट सुलगा ली। अब क्या करोगे तीरथ राम के बारे में? चिंता मत करो, कुछ तो करेंगे ही, सोहन लाल ने कहा। कम से कम इस बात का वायदा तो किया कि पाहवा जिंदा नहीं बचेगा, बिल्कुल निश्चित रहो। सोहन लाल के शब्द सुनकर जयराम पाटिया के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। अब जयराम भाई एक बात तो बताओ, सोहन लाल बोला। क्या? तीरथ राम अब जय गणेश में तो नहीं रहेगा? नहीं, वहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वह तो खंडर हो गया। तो अब वह कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? जयराम पाटिया ने चौंक कर सोहन लाल को देखा। हाँ, उसका दूसरा ठिकाना? जयराम पाटिया के चेहरे पर सोच भरी गंभीरता के भाव उभरे। क्या हुआ? सोहन लाल उसे खामोश देखकर बोला। पाहवा के और ठिकाने की तुम्हें खबर नहीं? एक क्या, उसके तो 50 ठिकानों की खबर है मुझे, जयराम ने घूंट भरा। फिर पाहवा किस ठिकाने को सुरक्षित समझकर ठिकाना बनाता है, इस बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जयराम पाटिया के होठ भींचते चले गए। मतलब कि तुम मालूम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता, अवश्य कर सकता हूँ, पाटिया ने सिर हिलाया। तो मालूम करो, जय गणेश तबाह होने के बाद पाहवा ने अपना ठिकाना कहाँ बनाया है। जयराम पाटिया ने शंकर दास और सोहन लाल को देखा। शाम तक यह खबर फैल जाएगी, मेरे आदमी पाहवा के पाले में मौजूद हैं, पता चल जाएगा। तो शाम को आओगे? सोहन लाल बोला। हाँ, मैं ना आया तो मेरा मैसेज। तुम्हारा मैसेज सिर्फ फ़ोन पर होना चाहिए, सोहन लाल ने उसकी आंखों में देखा। किसी आदमी को मत भेज देना, हम नहीं चाहते कि हमारा ठिकाना कोई जाने। जिस तरह तुम्हारे आदमी पाहवा के पाले में हैं, उसी तरह उसके आदमी भी तुम्हारी किसी जेब में घुसे हो सकते हैं। जयराम पाटिया उठ खड़ा हुआ। मैं खुद ही आऊँगा, रिवॉल्वर की गोलियाँ भी लेते आना, शंकर दास बोला। कौन से रिवॉल्वर की? शंकर दास और सोहन लाल ने अपनी रिवॉल्वर दिखाई। जयराम ने दोनों रिवॉल्वरों का मेक और नाम देखा। लेता आऊँगा, कुछ और चाहिए? नहीं, तुम शाम को पहुँच जाना, हमें खबर चाहिए कि पाहवा कहाँ पर है। मिलेगी, खबर मिलेगी कि पाहवा कहाँ पर है, जयराम पाटिया ने विश्वास भरे स्वर में कहा। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस खबर का तुम सही इस्तेमाल करोगे। सोहन लाल ने कड़वे स्वर में कुछ कहना चाहा कि जयराम बाहर निकल गया। साला, सोहन लाल बड़बड़ा उठा, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। हम तो अपने कंधे पर बंदूक रखकर चला ही रहे हैं, अगर जयराम भी हमारी बंदूक में अपनी एक आध गोली डाल देता है तो क्या फर्क पड़ता है, शंकर दास ने हंसकर कहा। सोहन लाल के चेहरे पर एकाएक गंभीरता के भाव नाचने लगे थे। अब क्या करना है? क्या करना है? पाहवा को ख़त्म करना है। क्यों? शंकर दास ने उसे देखा। सोच ले शंकर दास, सोहन लाल ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। इसमें सोचने की क्या बात है? शंकर दास ने हैरानी से उसे देखा। सोहन लाल ने कश लिया और गंभीर स्वर में कह उठा। तीरथ राम पाहवा की मौत से ज़्यादा ज़रूरी काम सुंदर लाल को पाहवा की कैद से निकालना है। सुंदर लाल? शंकर दास चौंका।
हाँ, उसे पाहवा ने इसलिए पकड़ा है कि हम उसके घर पनाह लिए हुए थे। शंकर दास एकाएक कुछ नहीं कह सका। सुंदर लाल को बचाने की चेष्टा करना हमारा फर्ज है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शंकर दास ने सोच भरे अंदाज में सिगरेट सुलगा ली। क्या सोच रहे हो शंकर दास, यह तो फालतू का लफड़ा हुआ। फालतू का? सोहन लाल की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, मैं फांसी प्राप्त फरार मुजरिम हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, कभी भी पुलिस की गिरफ्तारी में आ सकता हूँ, गोली का शिकार हो सकता हूँ। पाहवा के आदमी हमारे पीछे हैं और मेरा टारगेट तीरथ राम पाहवा की हत्या करना है। ऐसे में अगर सुंदर लाल को बचाने के चक्कर में पड़ जाऊंगा तो जान को खतरे में डालने और वक्त बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं होगा। सोहन लाल की आंखों में कड़वे भाव फैलते चले गए। हाँ, यह बात तो है। सोहन लाल का स्वर सामान्य था। बेहतर यही होगा कि हम पाहवा की तरफ ध्यान दें कि उसे कैसे खत्म किया जाए। सुंदर लाल की तरफ तो ध्यान देना भी हमारे हक में ठीक नहीं होगा। जंग के समय लक्ष्य देखा जाता है। जंग के मैदान में हाथ में तलवार लेकर घायल सिपाहियों की मरहम पट्टी नहीं की जाती, शंकर दास ने कहा। सोहन लाल की आंखों में कठोरता उभरी। तुम तो अपने मिलिट्री वाले रूल बता रहे हो, ठीक कहा ना मैंने शंकर दास? हाँ, मिलिट्री में हमें जंग के दौरान पैदा होने वाले हालातों के लिए यही सब बताया जाता है और ऐसा करना ही बेहतर रहता है। इंसान अपना टारगेट जल्दी हासिल कर लेता है। सोहन लाल की आंखों में क्रोध के भाव उभरे। मेरे ख्याल में तुम ठीक कह रहे हो शंकर दास, सोहन लाल शांत स्वर में बोला। मैं ठीक ही कहता हूँ, अगर सामने वाला समझे तो। सामने वाला सब कुछ समझ रहा है, अब जरा सामने वाला भी समझ ले। शंकर दास ने सोहन लाल को देखा। जैसे मिलिट्री की पढ़ाई तूने मुझे बताई, इसी तरह मैं भी तुझे अपनी पढ़ी पढ़ाई बताता हूँ, उसे समझ लेना प्यारे भाई, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई तो चंद आदमियों के बीच होती है, परंतु जो पढ़ाई मैंने पढ़ी है वही दुनिया में ज़्यादातर चलती है, उसके आगे मिलिट्री की पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो सोहन लाल? सोहन लाल ने सिगरेट का कश लिया, फिर गंभीर स्वर में बोला। मेरी पहली पढ़ाई यह है कि किसी का एहसान मत भूलो, और सुंदर लाल ने बिना वजह हम पर एहसान किया था, हमें छिपने की जगह देकर, अपनी जान खतरे में डालकर, हमें अपने घर में रखकर। शंकर दास की निगाहें सोहन लाल पर थी। वह हमारे कारण फंसा, हमारे कारण पाहवा का क्रूर पंजा उसकी जिंदगी के लम्हों पर जागड़ा है। सोहन लाल के शब्दों में दृढ़ता उभर आई थी। उस क्रूर पंजे को सुंदर लाल की गर्दन से दूर करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। मानवता यही कहती है, अपने साथी को हम कुंड में धकेल कर आगे बढ़ जाएं, यह बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, और ना ही यह तुम्हारे मिलिट्री वाली जंग है इस देश के दुश्मनों से। यह चंद बदमाशों की दादाओं की जंग है, जिसमें हर तरफ देख कर चलना पड़ता है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कि इन हालातों में सुंदर लाल को मौत के मुँह में छोड़कर आगे बढ़ जाऊँ। शंकर दास के होंठ फिंच गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद, सोहन लाल ने दांत पीस कर कहा। और तब सुंदर लाल का भी दिमाग खराब हो गया था, जब इस शहर में तीरथ राम के डर से मुझे पनाह देने वाला कोई नहीं था, परंतु उसने मुझे अपने घर में छिपाया। लोग तुम्हारा नाम सुनकर डरने लगते हैं, परंतु उसने तुम जैसे खतरनाक आदमी को भी अपने घर में रखने से इनकार नहीं किया, जबकि वह चाहता तो स्पष्ट तौर पर मना कर सकता था, परंतु उसने नहीं किया, शायद वह पागल था। होठ भींचे शंकर दास उसे देखता रहा। पाहवा को खत्म करना है, ठीक है, खत्म हो जाएगा वह, बाद में खत्म हो जाएगा, पहले सुंदर लाल को पाहवा की कैद से निकालना है, क्योंकि अगर उसे कुछ कर दिया गया तो फिर वह जिंदा नहीं हो सकेगा, जबकि पाहवा तो जिंदा ही रहेगा। मैं नहीं समझता कि उसे दिल का दौरा पड़ेगा। कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो तुम, शंकर दास तेज स्वर में बोला। मेरी पोजीशन को भी समझने की चेष्टा करो, मुझे पुलिस तलाश कर रही है, और अब तो तीरथ राम पाहवा को भी खबर मिल गई होगी कि तुम्हारे साथ मैं भी उसके पीछे हूँ, उसके आदमी भी मुझे तलाश करना शुरू कर चुके होंगे। दोनों तरफ से भारी खतरा है मुझे, जितना वक्त बीतता जाएगा मेरे लिए खतरा बढ़ता जाएगा। मैं अपना काम खत्म करके फौरन इस शहर से निकल जाना चाहता हूँ। अगर सुंदर लाल को बचाने के चक्कर में पड़ा तो शायद जिंदा ना बच पाऊँ, पाहवा के आदमियों की या पुलिस की गोली मुझे खत्म कर देगी। मेरी और तुम्हारी पोजीशन में बहुत फर्क है सोहन लाल। हाँ, सोहन लाल ने होंठ भींचकर सिर हिलाया।
वास्तव में बहुत फर्क है, शंकर दास ने उसके अंदाज को महसूस करके कहा। शायद तुम मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं इस समय गंभीर हूँ, कम से कम अपनी बात के प्रति तो बहुत गंभीर हूँ। सोहन लाल ने कश लेकर कुर्सी पर बैठे ही बैठे टांगे फैला ली। पाहवा को भूलकर सुंदर लाल को हर हालत में बचाया जाएगा, उसके बाद ही पाहवा के इंतजाम के बारे में सोचा जाएगा। सोहन लाल, शंकर दास के होठों से गुर्राहट निकली, चेहरा सुर्ख उठा। सोहन लाल की आंखें सिकुड़ी, माथे पर बल पड़े, टांगे समेट कर वह सतर्क हो गया। हाँ, शंकर दास खतरनाक अंदाज में उसे घूरता रहा, बोला कुछ नहीं। बोल, दहाड़ कर क्या कहना चाहता है तू? शंकर दास की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। तू ठीक नहीं चल रहा, शंकर दास ने सुलगते स्वर में कहा। मेरा भी यही ख्याल है। खैर, तू चाहता है कि तीरथराम पाहवा का किस्सा खत्म किया जाए। हाँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि सुंदर लाल को बचाने के फेर में पड़ूं। मत पड़। क्या मतलब? शंकर दास की आंखें सिकुड़ी। तू पाहवा के पीछे लग जा, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जा, साले की मुंडी मरोड़ कर रख दे। और तू क्या करेगा? मैं? सोहन लाल मुस्कुराया। सुंदर लाल को तलाश करके उसे बचाऊंगा। शंकर दास का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया। तू ऐसा नहीं करेगा। तो कैसा करूंगा? मेरे साथ मिलकर पाहवा की गर्दन? नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो मेरे मन में आएगा वही मैं करूँगा, सोहन लाल ने सख्त स्वर में कहा। और अपने लहजे को संभाल, तेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं जा रही। शंकर दास का चेहरा दरिंदगी से भरे भावों से भर उठा। सोहन लाल, शंकर दास के होठों से गुर्राहट निकली, तू मेरे साथ रहेगा, मेरा कहना मानेगा? फालतू मत बोल शंकर दास। सोहन लाल का चेहरा सुर्ख हुआ पड़ा था। तू फाइनल इनकार करता है? डबल फाइनल इनकार, शंकर दास ने दांत खिटखिटाए। अगले ही पल उसके हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आने लगी, उंगली ट्रिगर पर और रुख सोहन लाल के चेहरे की तरफ था। दो पल के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मैं तुझे 2 घंटे का वक्त देता हूँ, शंकर दास के होठों से सर्द स्वर निकला। किस बात के लिए? सोहन की आंखों में सुर्ख शोले उछाले मार रहे थे। सोचने के लिए। फैसला कर ले कि तुझे सुंदर लाल को आजाद करना है या मेरे साथ मिलकर पाहवा को खत्म करना है। अगर तूने मेरे साथ मिलकर पाहवा को खत्म करने की हाँ ना भरी तो मैं रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे शरीर में उतार दूंगा। सोच कर कह रहा है? हाँ, तो सुन ले, मेरा फैसला वही है जो मैं कर चुका हूँ। जल्दी मत कर, 2 घंटे हैं तेरे पास। मुझे 2 घंटे नहीं चाहिए, जवाब दे दिया। बोल, क्या करेगा तू? मुझ पर गोलियां चलाएगा? मुझे सोचने के लिए 2 घंटे दिए जाएं, यह बहुत जरूरी है। इन 2 घंटों में तुझे इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि मुझे इनकार का मतलब है तेरी मौत, शंकर दास वहशी स्वर में कह उठा। सोहन लाल दरिंदगी भरे निगाहों से शंकर दास को देखे जा रहा था। उन दोनों के अलावा वहां मौत की सर्द खामोशी छा चुकी थी। 2 घंटे शंकर दास के हाथ में थमी रिवॉल्वर का रुख सोहन लाल की तरफ रहा। सोहन लाल के प्रति वह बेहद सतर्क था कि कहीं मौका पाकर अपनी रिवॉल्वर ना निकाल ले। सोहन लाल का इरादा था जेब से रिवॉल्वर निकालकर शंकर दास को शूट करने का, परंतु शंकर दास बेहद सावधान था, वह उसे हिलने तक की मोहलत ना दे रहा था। सोहन लाल को सिर से पांव तक खतरा ही खतरा नजर आ रहा था। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि अगर उसने शंकर दास की बात ना मानी तो वह उसे शूट कर देगा, परंतु शंकर दास की बात मानने का मतलब था सुंदर लाल ने उनके लिए जान की बाजी लगा दी थी, अब वह मौत के मुंह में था सिर्फ उनके कारण, वरना उसे क्या पड़ी थी पाहवा के खिलाफ काम करने की। अब उसे सहायता की जरूरत थी और सोहन लाल हर हाल में उसके एहसान को उतार कर उसकी जान बचाना चाहता था, जबकि शंकर दास उसे अपने इशारे पर चलाने की चेष्टा में था। उसका दिलो दिमाग नहीं मान रहा था कि शंकर दास की बात माने। मौत के सन्नाटे में 2 घंटे इसी प्रकार बीत गए। 2 घंटे बीत चुके हैं, शंकर दास ने खतरनाक लहजे में कहा। सोहन लाल ने क्रूरता भरी निगाहों से शंकर दास की आंखों में झांका। बोल, क्या फैसला किया तूने? कुछ कहने के लिए सोहन लाल ने मुंह खोला कि शंकर दास गुर्राहट भरे लहजे में कह उठा, जो भी कहना सोच समझ कर कहना, यह तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है।
मुझे तेरी बात मंजूर नहीं, सोहन लाल ने दांत फींच कर कहा। क्या? मैं किसी भी कीमत पर तेरी बात नहीं मानता। तू एहसान फरामोश हो सकता है, लेकिन सोहन लाल किसी का एहसान नहीं भूलता। बोल, क्या करेगा अब तू? मुझे गोली मारेगा? हाँ, और अगर तू मर गया तो तब सुंदर लाल को कौन बचाएगा? कोई भी मत बचाए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ उसे बचाने की चेष्टा अवश्य ही की जाएगी। और तू वास्तव में कमीना इंसान है शंकर दास, यह तो साबित हो ही गया है। अभी साबित नहीं हुआ। नहीं हुआ? सोहन लाल ने खूनी निगाहों से शंकर दास को देखा। नहीं, मतलब कि मुझे गोली मारने के बाद साबित करेगा कि तू निहायत ही गिरा हुआ इंसान है। साबित करने के कई तरीके होते हैं। कर, साबित कर, देखूं तो सही कि और कैसे गंदगी भरे तरीके हैं तेरे पास। शंकर दास ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर उंगली में घुमाई और उसे वापस जेब में डाल लिया। सोहन लाल के होठ भींच गए, आंखें सिकुड़ गई। शंकर दास ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मिलिट्री में हमें एक चीज और भी सिखाई जाती है, शंकर दास बोला, यह है कि जब किसी को शूट करने का समय आए तो रिवॉल्वर का जेब में डाल लो। नहीं, शंकर दास ने मुस्कुराकर कहा, बल्कि यह कि जंग के दौरान किसी के द्वारा किए गए एहसान को याद रखो, बेशक वह एहसान छोटे से छोटा भी क्यों ना हो। और तुम सुंदर लाल के इतने बड़े एहसान को भूल रहे हो? भूल नहीं रहा, बल्कि पीछे धकेल रहा हूँ। ऐसा करना इस समय मेरी मजबूरी का हिस्सा भी है, क्योंकि मैं इस वक्त हालातों के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंसा हुआ हूँ। शंकर दास का स्वर शांत था। लेकिन तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? कम से कम मुझे गोली तो मार सकते हो, सोहन लाल कड़वे स्वर में बोला। नहीं, शंकर दास ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें डरा रहा था। सोचा था डर कर तुम रास्ते पर आ जाओगे, मेरा साथ दोगे पावा को खत्म करने में, सुंदर लाल को भूल जाओगे, परंतु तुम नहीं डरे। सोहन लाल उसे घूरता रहा। अब तुम्हारी ही रही। क्या मतलब? पहले हम सुंदर लाल को तीरथ राम की कैद से निकालेंगे, उसके बाद पाहवा की मौत की सोचेंगे। सोहन लाल के चेहरे पर राहत के भाव आए, तनाव कुछ कम हुआ। लेकिन एक तरफ शायद तुम सोचना भूल गए। किस तरफ? तीरथ राम पाहवा ने सुंदर लाल को पकड़कर हमारे बारे में पूछा होगा कि हम कहाँ हैं, हमारा दूसरा ठिकाना कौन सा है। दूसरा ठिकाना हम नहीं जानते तो सुंदर लाल क्या जानेगा? ऐसे में उसने यही कहा होगा कि वह नहीं जानता, और उसकी बात पर विश्वास ना करके उसे तरह तरह की यातनाएं दी होंगी, और उन यातनाओं के पश्चात इस बात का कोई भरोसा नहीं कि वह जिंदा बचा हो या उसकी लाश नाले में पड़ी सड़ रही हो। सोहन लाल ने गंभीरता भरे अंदाज में गर्दन हिलाई। हाँ, इस पहलू पर भी मैं सोच चुका हूँ। अगर उसे मार दिया है तो उसकी किस्मत, अगर वह जिंदा है तो उसे बचा निकालना है। वह बेचारा खामखा हमारे फट्टे में टांग अड़ा बैठा, सोहन लाल ने कहा। शंकर दास कंधे उचकाकर रह गया। सबसे पहले हमें सुंदर लाल के बारे में मालूम करना है कि उसे कहां पर रखा गया है। शाम को जयराम पाटिया आएगा, उससे बात करेंगे, वही सुंदर लाल के बारे में हमें खबर देगा, शंकर दास ने कहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।